tuning back to my channel. So as read in the title, in today's video we are going to install the new adjustable levers for clutch and brake on my RR310. So these are the adjustable levers which I ordered from AliExpress. Agar aapko chahiye rahega to uski link description box mein mil jayegi. So let's do the unboxing. Maine open karke check kar liya. Let's do it one more time in front of you guys. Remove it from cover. The color normally I choose is usually going to suit on my RR310, the red one. So ये है brake lever, ये ऐसे adjust होगा और these are the adjustable. इसकी खासियत बता देता हूँ मैं आपको. So ये जो brake levers है which are folding one, ये ऐसे fold हो जाते हैं. So if in case of crash, जब भी आपकी bike गिर जाती है तो आपका brake lever break ना हो इसके लिए यहाँ पे options दिया है folding का. So अभी आपकी bike खड़ी है और जैसे bike गिर जाती है तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे बेंड हो जाएगा. सो दैट विल सेव दिस लीवर टू नॉट टू ब्रेक. सो ये जो ब्रेक लीवर है विच वी गोइंग टू एडजस्ट एज पर योर हैंड लेंथ, आप इस स्क्रू को लूज करके इसकी लेंथ बढ़ा सकते हैं विच आई एम गोइंग टू सी. जैसे बाइक के ऊपर इंस्टॉल करते हैं उसके बाद एडजस्ट कर लेंगे. इस चीज़ का एक बेनिफिट तो बता दिया कि अगर आपकी बाइक गिरती है तो ये लीवर ब्रेक नहीं होने वाले. और दूसरी चीज़ है, अगर इनकेस आप तकलीफ महसूस कर रहे हो जब भी आप बाइक राइड कर रहे हो, सो आपकी जो हैंड की ग्रिप है वो थ्रोटल से लेके ब्रेक लीवर तक ज़्यादा पहुँच नहीं रही, तो आप इस हिसाब से उसकी लेंथ कम कर करके ये जो लीवर है आप आपके हाथ के पास में ला सकते हो. सो दैट इज़ द मेन बेनिफिट ऑफ दिस एडजस्टेबल ब्रेक लीवर्स एंड क्लच लीवर्स. अगर ये हाथ में लेके देखें तो ये बहुत ही हैवी है. So friend, this one is the clutch lever, you can see. And this one is the brake lever. आप लोग देख ही सकते हो, this one is for G310GS, G310GS and 310R. इन दोनों बाइक के ऊपर सेम ब्रेक एंड क्लच लीवर लगते हैं जो हमारी RR310 के ऊपर लगते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द इंस्टॉलेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट रिमूव द ब्रेक लीवर. ये रिमूव करने के लिए यहाँ पे 10 नंबर का नट है और नीचे उसके 10 नंबर का बोल्ट है. तो वी हैव टू ग्रैब द बोल्ट फ्रॉम डाउन साइड दिस वन. अभी ओपन करते हैं इस बोल्ट को. ये आ गया बोल्ट अपना बाहर और ये आ गया नट बाहर. वन थिंग आई वॉन्ट टू शो यू गाइज, जो स्टॉक क्लच और ब्रेक लीवर्स हैं उसके यहाँ पे कट दिया हुआ है, आप देख सकते हो. इसका बेनिफिट जब आता है, जब भी इनकेस आपकी बाइक गिर जाती है या आपका एक्सीडेंट होता है, तो ये जो ब्रेक लीवर है वो बेंड नहीं हो जाएंगे, जस्ट यहाँ से टूट जाएंगे. सो इवन ये टूटने के बाद भी आप आपकी राइड कंटिन्यू कर सकते हो बाय ग्रैबिंग दिस ब्रेक लीवर इन दिस वे. सो विच इज़ वेरी गुड वर्क डन बाय TVS. सो अभी इसको रिमूव कर लिया मैंने. स्टॉक ब्रेक लीवर है वो ऐसे है. सो आप देख सकते हो डिफरेंस, दिस वन इज द एडजस्टेबल और दिस वन इज द स्टॉक. ये एंगल, इसकी लेंथ इतना बड़ा है. सो इवन यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द हाइट ऑफ दिस ब्रेक लीवर बाय लूजिंग दिस स्क्रू. वी करंटली मैंने इतना बड़ा दिया है. इफ आई नीड आई कैन इंक्रीज एट द सेम ऑफ दिस हाइट. सो लेट्स इंस्टॉल दिस वन. सो ये गया यहाँ पे अंदर. ये जो एरिया है स्प्रिंग्स, वो यहाँ पे जैसे प्रेस हो जाती है उसके बाद आपकी बाइक का फ्रंट ब्रेक है वो एंगेज हो जाता है. सो यहाँ पे अंदर पुश हो जाता है. सो फर्स्ट उसको अंदर ले लेते हैं और ये लग गया अपना लीवर. अभी उसको स्क्रू डाल देता हूँ. ये गया अपना 10 नंबर का नट अंदर. अभी हमें कंप्लीट करना है ये 10 नंबर का बोल्ट फ्रॉम डाउन साइड. अभी नीचे हमने नट बोल्ट डाल दिया है, करते इसको टाइट. तो ये हमारा लग गया है ब्रेक लीवर, यू कैन सी इट्स एंगल, इसका एंगल ऐसे रहेगा. तो ये जो एरिया है यहाँ पे, इसके ऊपर आप उसकी डिस्टेंस फ्रॉम योर हैंड एडजस्ट कर सकते हो.
जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ तो और दूर दूर जा रहा है, आप देख सकते हो। और ये सिक्स, आप देख सकते हो ये कितने दूर चला गया। दिस इज द मेन बेनिफिट ऑफ एडजस्टेबल लीवर। तो आप इसको यहाँ पे कनेक्ट करके आपको चाहिए उतने एंगल में ब्रेक लीवर और क्लच लीवर को एडजस्ट कर सकते हो, विच इज़ गुड। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द इंस्टॉलेशन ऑफ क्लच लीवर। तो फ्रेंड्स वहाँ पे हमें मिला था 10 नंबर का नट और बोल्ट, बट यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एलन की 8 नंबर की और नीचे की तरफ है 8 नंबर का बोल्ट। तो अलग अलग नट बोल्ट्स है, वहाँ पे है 10, यहाँ पे है 8, सो बी रिमेंबर दैट। सो अभी क्लच लीवर रिमूव कर लेते हैं। तो ये रहा 8 नंबर का बोल्ट बाहर आ गया, ये रहा 8 नंबर का एलन की वाला नट। तो अभी हमें क्लच लीवर रिमूव करना है। मेक श्योर यहाँ पे उसका जो लॉक है उसको आप लूज कर दो, क्योंकि आपको यहाँ से क्लच केबल रिमूव करनी है। तो इस लॉक को कर दिया हम लोगों ने लूज। तो ये आ गया हमारी क्लच लीवर बाहर, और इसका जो लॉक है वो यहाँ पे, तो इसको हमने रिमूव कर दिया लीवर को बाहर। तो आप देख सकते हो ये जो केबल है जिसको हमें न्यू एडजस्टेबल ब्रेक लीवर में ऐड करना है। तो जो स्टॉक क्लच लीवर है वो ऐसा है। लेट मी शो यू द कंपैरिजन विद एडजस्टेबल लीवर। ये है हमारा एडजस्टेबल लीवर और ये स्टॉक वन। इसकी लेंथ कंपैरिजन, इसकी डिज़ाइन आप देख सकते हो परफेक्ट है। तो यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, आपको प्रॉपरली करना है, अदरवाइज आपकी जो क्लच वायर है वो ब्रेक हो जाएगी। आप देख लीजिए ये लॉक गया अंदर, और इसको ऐसे बेंड करना है आपको, और ये गया अंदर। देख लीजिए आपने कितने इजी प्रोसेस है ये। ये जो वायर है वो नीचे की तरफ है। नाउ लेट्स कनेक्ट दिस नट। तो यहाँ पे जो एरिया है वो यहाँ पे टच हो रहा है, आप देख सकते हो। तो इसका थोड़ा एंगल मुझको चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज आप लोगों को तो पता ही है व्हेन मैंने बाइक परचेस की थी उस हिसाब से मुझको जब यहाँ पे हैंड पे पेन हो रहा था, सो इसलिए मैंने ब्रेक और क्लच लीवर का जो एंगल है वो नीचे की तरफ रखा है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे टच हो रहा है, नो इश्यूज़। ये जो बॉक्स है मुझको नीचे की तरफ रोटेट करना पड़ेगा, और उसके बाद ये लीवर परफेक्टली काम करेगा। इवन अभी भी काम कर रहा है मगर टोटली पुल नहीं हो रहा है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे स्विच को टोटली रिमूव कर दिया है। आपको दिखा देता हूँ अंदर की तरफ कैसे रहता है ये स्विच। दिस आर द इंडिकेटर। सो अभी ओपन ही कर लिया, तो इसके अंदर मैंने WWB मार दूंगा, और विदाउट स्विच ये देखिए क्लच परफेक्टली काम कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ी मुझको R&D करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स TVS ने जो क्या किया है, ये जो स्विच है उसको लॉक दिया है, ताकि इसको ऐसे ऐसे कहाँ पे एडजस्ट नहीं कर सकते आप। वो लॉक कैसे दिया है आपको दिखा देता हूँ। ये आप होल देख रहे हैं, ये जो होल है वो लॉक सिस्टम है, और उस होल के अंदर ये स्क्रू जाता है। तो ये स्क्रू वहाँ पर जाके ही ये पोर्शन ब्लॉक हो जाता है, और हमें क्या करना है इस स्विच को ऐसे डायरेक्शन में एडजस्ट करना है तो अपना जो क्लच लीवर है परफेक्टली काम करेगा। बट जब हम यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं स्क्रू, तो ये साइड का स्क्रू परफेक्टली बैठ रहा है, ये जो स्क्रू है वो परफेक्टली नहीं बैठेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, दो ऑप्शन है, एक तो यहाँ पे नया होल बनाना पड़ेगा, अदरवाइज ये जो लॉक सिस्टम है उसको कट करना पड़ेगा। लेट्स सी व्हाट आई कैन डू। तो फ्रेंड व्हाट आई डिसाइडेड, यहाँ पे दूसरा होल ही कर देता हूँ, बिकॉज अगर वो अंदर का पार्ट अगर रिमूव कर देता हूँ तो जब भी मैं बटन प्रेस करूँगा तो आगे स्लिप हो जाएगा। सो उससे अच्छा बेटर यहाँ पे मैंने मार्किंग कर ली है। सो एग्जैक्टली यहाँ पे मुझको होल चाहिए। सो ड्रिल है अपने पास, लेट्स स्टार्ट द वर्क। A few moments later. So friends, after lots of struggle, यहाँ पे होल करने को ट्राई किया बट नहीं हो रहा है मेरे ड्रिल मशीन से, बैड लक। इसकी पोजिशन वैसे ही कर दी जैसे डिफॉल्ट थी, यहाँ पे लग टाइट कर दिया, हिल नहीं रहा है। बट उसके बाद मुझको याद आया कि मैंने दोनों भी ब्रेक और क्लच लीवर फॉर हैंड कम्फर्ट नीचे की तरफ किए थे, उसका एंगल नीचे की तरफ किया था। तो अभी उस क्लच लीवर को वापस उसकी ओरिजिनल एंगल पर लाने के बाद ये परफेक्टली काम कर रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे टच नहीं हो रहा है। बस अब ये की ड्रॉबैक है, वापस मेरे हाथ को उस एंगल में यूज़ करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दैट्स इट। सेम एज ब्रेक लीवर, यहाँ पे उसकी हाइट आप एडजस्ट कर सकते हो, और जैसे मैं बढ़ाते जाऊँगा ये डिस्टेंस यहाँ से दूर होता जाएगा।
इतना दूर चला गया 6 एंगल पे। आई विल प्रेफर इट टू कीप इट ऑन नंबर 2, ये परफेक्ट एंगल है मेरे लिए। सो आफ्टर लॉट्स ऑफ स्ट्रगल ब्रेक लीवर एंड क्लच लीवर फाइनली इंस्टॉल। इन दिस वीडियो थोड़ा इजी प्रोसेस था, मगर मेरी खुद के ओल्ड मॉडिफिकेशन वजह से मुझको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा। कोई नहीं, ऐसी वी विल गेट यूज टू आवर बाइक, नो इश्यूज ऑन दैट। सो इफ एनी हाउ यू गाइज लाइक दिस वीडियो, अगर छोटा ही वीडियो था, जस्ट इंस्टॉलेशन एकदम इजी प्रोसेस है, यू कैन डू इट बाई योर ओन। सो फ्रेंड्स, इफ एनी हाउ यू गाइज लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड। एंड हाँ यार, ये वीडियो भी देख लिया आपने और पुराना अपना टॉप लगेज रैक वाला वीडियो भी देख लिया हो, तो यार सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि ऐसे ही ब्यूटीफुल मॉडिफिकेशन व्लॉग्स हमारे चैनल पे आते रहते हैं। और जल्द ही हमारे चैनल के ऊपर अपने 15 दिन वाले न्यू फोर स्टेट्स राइड्स के व्लॉग चैनल पे आने वाला है। सो स्टे सब्सक्राइब। तो दिस इज सागर साइनिंग ऑफ, बाय बाय।